नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। भाई फ्रेम में खड़ी है मारुति सुजुकी स्विफ्ट, स्विफ्ट का LXI वेरिएंट देख रहे हो, बेस वेरिएंट। लोग क्या करते थे भाई, इस बेस वेरिएंट को लेके मॉडिफाई कराते थे, तो कुछ काम यहाँ मारुति ने मॉडिफिकेशन का खत्म कर दिया। इसमें बेस वेरिएंट में आपको हाइलोजन बेस प्रोजेक्टर हेडलैम्प यूनिट दे दी है, उसे अब मैं आप LED लगवाओ या अपने अकॉर्डिंग कराओ, वो चीज डिपेंड करती है। बाकी हेडलैम्प सेटअप आपको आफ्टर मार्केट चेंज कराने की इसमें अब जरूरत नहीं पड़ेगी। DRS नहीं मिलता, बट गार्निश कुछ ऐसे ही दी हुई है। LXI वेरिएंट है, बेस वेरिएंट है, स्टील रिम्स मिलते हैं इसमें, अलॉय व्हील्स वगैरह आप लगा के इसे मॉडिफाई करा सकते हो, शोरूम से कराओ या आफ्टर मार्केट कराओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट गाड़ी लगती बहुत प्यारी भाई है। कीमत है इसकी 6,49,000 रुपए और ऑन रोड की बात करूं तो 7,23,000 पड़ जाती है हरियाणा फरीदाबाद के अंदर। एक्स शोरूम पैन इंडिया सेम मिलेंगे, ये जो मैंने ऑन रोड प्राइस बताया आपको 7,23,000 रुपए, ये हरियाणा फरीदाबाद के बताए। बाकी व्हाइट कलर के अंदर आप गाड़ी को देख रहे हो, जिस टाइम मारुति ने स्विफ्ट को लॉन्च करा था उस टाइम बताया गया था कि जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है उसमें 45% अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज करा गया है इसकी बिल्ड क्वालिटी के लिए। बाकी यार जब तक कोई क्रैश टेस्ट वगैरह नहीं होता बिल्ड क्वालिटी का, तो कोई भी हम मतलब एक पुख्ता जवाब नहीं दे सकते कि भाई यहाँ इतनी अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी है, वो तो जब तक क्रैश टेस्ट वगैरह नहीं होता। बाकी बेस वेरियंट में फ्रंट देखो आप भाई, कोई आफ्टर मार्केट की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली, सिर्फ इसमें अलॉय व्हील लगवा लो और गाड़ी आपका मस्त बन जाएगी चलाने लायक। पिलर वगैरह ब्लैक करा सकते हो क्योंकि इसमें कंपनी पिलर ब्लैक नहीं देती। बाकी फ्रंट से बात करें तो इसमें मैनुअल वाइपर मिलेंगे विद 2 वॉशर, नॉर्मल एंटीना दिया हुआ, रूफ रेल्स वगैरह इनमें नहीं आते। यहाँ पे सुजुकी का लोगो, रेडिएटर ग्रिल ग्लॉसी ब्रेक दी गई है, लोअर ग्रिल मैट ब्लैक में दी गई है। यहाँ पे आपको फॉग लैंप हाउसिंग मिल जाएगी इस जगह पे, यही कैप हटाने के बाद आफ्टर मार्केट या शोरूम से आप लगवा सकते हो। हाइलोजन बेस प्रोजेक्टर हेडलैम्प यूनिट मिलेगी लोबी माई बीम के लिए, सिंगल प्रोजेक्टर दिया हुआ है, यहाँ इंडिकेटर है, यहाँ आपका पार्किंग लाइट, और ये गार्निश बीडिंग जो हेडलैम्प यूनिट के अंदर दी गई है ब्लैक के साथ, पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया हेडलैम्प यूनिट में, देखिए यहाँ, और ये गार्निश दूर से ऐसे लगता है जैसे DRLs ऑन हो रहे हों, शाइन मारते हैं देखिए, है ना। बाकी आ जाते हैं साइड प्रोफाइल पे, तो यहाँ स्टील रिम्स मिलेंगे, फ्रंट डिस्क है या ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, सिल्वर स्टील रिम्स है, व्हील कैप वगैरह नहीं आते इसके साथ, फेंडर पे इंडिकेटर मिलेगा, ORVM आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट तो शायद इसकी मिल जाती है, नहीं दी हुई, ना कोई एडजस्टेबल मिलेंगे ना रिएक्टेबल, सिर्फ फोल्ड एंड फोल्ड भी आपको मैनुअली करने होंगे और एडजस्ट भी। इंडिकेटर फेंडर पर मिलेगा, ब्लैक डोर हैंडल्स हैं, APC सारे पिलर बॉडी कलर दिए हुए हैं, क्वार्टर पैनल पर थोड़ा सा ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया टेपिंग टाइप का कुछ, वो दिखा देता हूँ मैं। बाकी रनिंग बोर्ड वगैरह यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको चाबी की जगह मिलेगी इस जगह पे, और यहाँ क्वार्टर पैनल के ऊपर देखोगे आप, ये टेप नहीं है पूरा भाई, पेंट किया गया अलग से, ये पार्ट लगाया गया है और काफी प्यारा लग रहा भाई पेंट पार्ट ये। वहीं पीछे भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी मारुति ने काम कराने की, आफ्टर मार्केट आपको टेल लैम्प सेटअप कराने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे एक विजिबल हेड वो दिया गया है, कवर 3D लुक भी इसे आप बोल सकते हो, और उसके अंदर LED टेल लैम्प सेटअप दिया गया है। यहाँ पे स्टॉप लैम्प है, ये आपका रिवर्स लाइट है, और नीचे इंडिकेटर, बड़ा ही प्यारा टेल लैम्प सेटअप और हेड लैम्प सेटअप भी, ये तो भाई आफ्टर मार्केट ही आपको कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुजुकी का लोगो, स्विफ्ट की बैजिंग है, उस जगह पे 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए हुए हैं, रियर डिफॉगर है बेस वेरिएंट के अंदर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प है, नॉर्मल एंटीना दिया गया है। वहीं को ड्राइवर साइड पाएंगे तो यहाँ 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है आपको, बाकी डोर हैंडल्स मैंने आपको दिखा दिए ब्लैक ही मिलते हैं, कोई ब्लैक ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। तो यहाँ से पहले बूट पे खड़े हैं टेल गेट के पास, तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। बेस वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रिक बटन मिलेगा टेल गेट ओपन करने के लिए, इतना स्पेस है, 268 समथिंग लीटर का बूट स्पेस मिलता है इसमें, यहाँ पार्सल ट्रे लगा सकते हो आप, स्पेयर व्हील टूल्स इसके इस जगह पर शिफ्ट कर दिए गए, पहले यहीं मिलते थे स्पेयर व्हील के साथ, अब इस जगह पे टूल्स शिफ्ट कर दिए, और ये प्लस पॉइंट है भाई देखा जाए तो। और देखोगे ना पीछे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो नहीं गए दिए गए, बस 60-40 कॉम्बिनेशन है या नहीं है, नहीं, पूरी बेंच सीट दी गई है विदाउट एडजस्टेबल हेडरेस्ट। चलो चलते हैं गाड़ी के अंदर, हुक वगैरह भी इसमें दिए हुए हैं। वहीं हम इसका पैसेंजर डोर ओपन करेंगे, तो पैसेंजर डोर ओपन करके देखोगे आप पूरा ब्लैक बेस इंटीरियर जो हमें मिलता है वही पैनल मिलेगा, डोर पैनल, डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, विंडो अप डाउन करने के लिए, पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट हार्ड टच में दिया हुआ, छोटी सी बोतल की जगह दी हुई है
बड़ी बोतल तो इसमें नहीं आने वाली, स्पीकर की जगह दी हुई है, बेंच सीट मिलेगी, रीडिंग लाइट एक आ गई है पीछे नहीं दी गई, ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, ना ही एसी वेंट्स है। कि यार देखो एलेक्साई में तो पहले भी नहीं आते थे, अब वहीं आ जाए इसके ड्राइवर डोर पे। तो जैसे हम ड्राइवर डोर ओपन करेंगे रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं मिलता, सिर्फ चाबी की जगह दी गई है। पूरा ब्लैक बेस इंटीरियर है गाड़ी का, डोर पैनल पूरा ब्लैक है, डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, ड्राइवर वन टच अप वन टच डाउन मिलेगा, चारों पावर विंडो है, ये विंडो लॉक के लिए, गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए। स्पीकर की जगह ड्राइवर टी मामला सॉफ्ट टच में दिया गया है, सेमी फैब्रिक सीट्स मिलेंगी, हाइट एडजस्ट का ऑप्शन तो नहीं है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, कॉर्निंग एयरबैग्स हैं, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर डेड पैंडल भी है, ये बोनट और फ्यूल लाइट खोलने के लिए, आइडल ऑन ऑफ हेडलाइट लेवलर, यहाँ पे आपका ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए बटन दिया हुआ है इस जगह पे, एसी वेंट चाबी लगी हुई है, सेंटर लॉकिंग मिल जाती है बट साइलेंट मिलेगी इसमें, जैसे देखिए गाड़ी लॉक करेंगे तो कोई टुक टुक नहीं करेगी, देखिए जैसे मैं इंडिकेटर दिखाता हूँ आपको, ये अनलॉक करी तो दो बार ब्लिंक करेगा, खुल गई है गाड़ी, सिंगल ब्लिंक पे लॉक हो गई है, इसमें टुक टुक वाली आवाज हमें नहीं मिलेगी। चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब भाई ड्राइवर सीट से स्विफ्ट LXi बेस वेरिएंट का इंटीरियर भी देख लो, ड्राइवर फ्रंट कैसा मिल जाता हमें, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट मिल रही है बेस वेरिएंट में यार, चलो उसमें बाद में आएंगे। बाकी यहाँ स्टेयरिंग देखोगे तो फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग है, बेस वेरिएंट से 3 स्पोक में दिया हुआ है, यहाँ थोड़ा प्लेन है, ये रग फील है। बाकी पहले हम स्टेयरिंग एडजस्टमेंट देखते हैं, स्टेयरिंग आपको टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक वाला ऑप्शन नहीं है। तो भाई ये तो हो गया स्टेयरिंग एडजस्टमेंट, स्टेयरिंग फ्लैट बॉटम है, 3 स्पोक में स्टेयरिंग है, सुजुकी का लोगो, यहाँ अच्छी ग्रिप मिल जाती है, रग फील है, ये प्लेन मिलेगा यहाँ सुजुकी लोगो, टोटल 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं हमें बेस वेरियंट से स्विफ्ट LXi फेस लिफ्ट के अंदर, मतलब स्विफ्ट जो फेस लिफ्ट है उसमें बेस वेरिएंट से आपको 6 एयरबैग कंपलसरी है। यहाँ पे हेडलैम्प यूनिट है, ये आपका वाइपर कंट्रोल, मतलब हेडलैम्प कंट्रोल, यहाँ से आप अपना हेडलाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। मीटर ऑन करेंगे तो ये देखिए RPMs भी मिल जाते हैं, पहले LXi बेस वेरिएंट में हमें RPMs वाला मीटर नहीं मिलता था, और यहाँ स्पीडोमीटर है आपका, बीच में MID दी हुई है, 8000 RPM तक है, पूरा एनालॉग दिए हुए हैं दोनों चीजें, यहाँ आप किलोमीटर एवरेज वगैरह देख सकते हैं। टाइमर आए ऊपर, यहाँ से आपका ट्रिप ए ट्रिप भी सेट हो जाएगा। यहाँ विंडोज के लिए वेंट दिए हुए हैं कुछ इस तरह से, डैशबोर्ड भी आएगा और थोड़ा थोड़ा बोनट व्यू भी आता है, अगर आपकी हाइट अच्छी है तो बोनट व्यू भी अच्छा आ रहा है यहाँ से। सॉरी पॉपअप डिस्प्ले की जगह दी हुई है, यहाँ पे टूटिन लगवाओ टच लगवाओ आपके ऊपर डिपेंड करता है, टच के लिए प्रॉपर जगह बनी हुई है, ये आप ग्लोसी पैनल भी करा सकते हो अगर आफ्टर मार्केट या शोरूम से लोगे तो, ये पार्ट आपको ग्लोसी ब्लैक भी मिल जाएगा। नहीं लगवाना तो यहाँ पे मोबाइल रखो और गाने सुनो, ज्यादा मोबाइल लगने का काम तो आएगा। ये 2 AC वेंट है, यहाँ हजार लाइट का बटन, और ये देखो ना ये थोड़ा सा इस साइड घुमाया हुआ है, ये वाला पार्ट जैसे कि हमें हुंडई में मिलता है कुछ इस तरफ रोटेट किया हुआ है ये वाला पार्ट भी, ताकि ड्राइवर का माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो गाड़ी चलाते टाइम, इजीली इधर देख के कुछ एडजस्टमेंट करनी है तो कर सके। यहाँ पे 2 AC वेंट से 1000 लाइट का बटन, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट दी हुई है विद MID, ऑटो तो नहीं है, मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट दी हुई है, मैनुअल AC है, बाकी फ्रंट रेयर डिफॉगर है, मैक्सिमम AC है, ऑफ के लिए AC, ये AC मोड है, ये फैन की स्पीड के लिए बार्स बनाए हुए हैं डिजिटल बार्स, और ये टेम्परेचर के लिए, अगर नीले पे करोगे तो कूल पे ऐसा रहेगा, जब आप लाल की तरफ करोगे तो ये नील कूल वाले कम हो जाएंगे और हॉट की तरफ बढ़ने शुरू हो जाएंगे, तो कुछ इस तरह से डिजिटल बार्स इसमें दिए गए हैं छोटी सी MID के अंदर। यहाँ पे 12 वोल्ट का आउटपुट दिया गया, 2 कप होल्डर्स है, आगे जगह मिल जाएगी, 5 गियर का ट्रांसमिशन है, कुछ इस तरह का गैलीवर मिलेगा, मैनुअल हैंड ब्रेक्स है, ग्लोब बॉक्स खोलोगे कुछ इस तरह का स्पेस मिलेगा ग्लोब बॉक्स में आपको, ऊपर नॉर्मल IRVMs दिए गए हैं, कोई मैनुअल डिमिंग या ऑटो डिमिंग नहीं है, यहाँ हाइलोजन बेस रीडिंग लाइट दी गई है एक, इधर प्लेन आपको सनवाइजर मिलेगा, कोई वेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया हुआ, और ये पार्ट भी प्लेन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो चुका भाई इंटीरियर, अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट की तरफ। भाई जैसे ही हम यहाँ बोनट ओपन करेंगे, ऊपर इंसुलेशन पैडिंग दी गई है, यहाँ हमें जेड सीरीज इंजन मिल जाता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर 4 वाल्व के साथ, अब तो ये सिलेंडर डिजायर के साथ भी आने वाला है, 3 सिलेंडर में ही आएगी डिजायर भी, बाकी फिलहाल हम स्विफ्ट देख रहे हैं। इसे बोलते हैं Z12E with ISS पेट्रोल इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है
80 bhp की और टॉर्क जनरेट करता है 111.7 न्यूटन मीटर का। माइलेज क्लेम कर रही है इसकी 24.8 किलोमीटर पर लीटर की एआरआई के अकॉर्डिंग। 918 किलोमीटर चल सकती है फुल टैंक पे। मैनुअल 5 गियर के साथ ट्रांसमिशन मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस 163 mm। हाँ वही 265 लीटर बूट स्पेस और 37 लीटर का फ्यूल टैंक है इसके अंदर। तो भाई ये था मारुति सुजुकी स्विफ्ट LXi बेस वेरिएंट पेट्रोल के अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। इंटीरियर एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस, गाड़ी का इसीलिए कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय। भारत माता की जय।